नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पहले से ही दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब दीपावली आती है तो अपने साथ त्योहारों का सीजन लेकर आती है। दीपावली के दिनों में धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक लगातार त्योहार ही त्योहार होते हैं और ये त्योहार हमारे जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं। धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली जिसे नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, फिर कार्तिक मास को आने वाली शुभ दीपावली, धनतेरस के बाद दीपावलियां और उसके बाद आने वाला गोवर्धन और भाई दूज का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देता है। वहीं जो लोग अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये आशा और उम्मीद की किरण भी लेकर आता है। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं जिससे कि उनके जीवन में हमेशा ही तरक्की, धन दौलत हमेशा ही बना रहे, सुख शांति उनके जीवन में और उनके घर परिवार में बनी रहे, एक मुस्कुराहट जो उनकी जिंदगी से कभी न जाए। इसीलिए दोस्तों, हम भी यही प्रयास करते हैं कि आपको ऐसे उपाय बताए जाएं जो कि आपके लिए करने में बहुत ही आसान हो और आपका ज्यादा पैसा भी व्यय ना हो, सस्ते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको धन कमाने के ऐसे सस्ते और आसान से उपाय बताने वाले हैं जिन्हें ना सिर्फ आप करके अपने धन कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, बल्कि मनचाही सुख समृद्धि और खुशियां अपने घर में और अपने परिवारजनों के बीच में आप पिरो सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर धन कमाने के उपाय हर कोई आजमाता है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे उपाय जो ना तो मुश्किल है, ना ही महंगे हैं और ना ही अधिक समय लेने वाले हैं। इन उपायों की सामग्री आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी, बल्कि अधिकतर सामग्री तो आपके घर में ही मौजूद है, जैसे कि नमक। जी हाँ दोस्तों, साधारण सा दिखने वाला नमक हर किसी व्यक्ति के रसोई में मौजूद होता है, आपकी भी रसोई में जरूर होगा। आप इसी नमक का इस्तेमाल करते हुए अपने जिंदगी में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके सकारात्मकता का प्रभाव ला सकते हैं और अपने मनचाहा धन कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। धनतेरस पर नमक का नया पैकेट खरीदें। अगर आप नया पैकेट नहीं खरीदना चाहते तो आप पुराना जो भी आपके घर में है उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना बनाने में नया नमक ही प्रयोग करना चाहिए। त्योहारों के सीजन में आपको हर एक व्यक्ति को देखा होगा कि वे नई नई सामग्रियां लेकर आते हैं, क्योंकि त्योहारों के सीजन में और त्योहारों पर नई चीजों का इस्तेमाल करना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए हमारी सलाह यही है कि आप नया पैकेट खरीदें और खाना बनाने में नया नमक ही प्रयोग करें। इससे धन की आवक में वृद्धि होती है। घर के उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच होने वाले कोण को, यानी कि कोने को, ईशान कोण कहा जाता है। वहां पर आप एक कटोरी में थोड़ा सा नमक भरकर रख दें, या फिर अगर आप नमक की कटोरी नहीं भरना चाहते हैं तो आप एक छोटे से डब्बे में नमक को डाल करके ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच पड़ने वाले कोने में, दीवार के पास या घर में जहां भी इस्तेमाल हो, जहां भी ये स्थिति हो, वहां पर आप इसको रख दें, इस डब्बे को या नमक की कटोरी को। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा उस नमक में आ जाएगी और आपके घर की सभी नकारात्मकता का नाश होगा और धन आगमन के साधन बनने लगेंगे। घर में चारों तरफ से पैसा आने लगेगा। बस अगले दिन आपको इस नमक की कटोरी या फिर नमक का डब्बा आपने जो भरा है, इसे अपने घर के टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें, ताकि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाए। दोस्तों, जिस प्रकार से नमक एक साधारण सा उपाय हमने आपको बताया, उसी प्रकार से सभी के घरों में आमतौर पर साबुत धनिया भी मिल जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर में जहां कहीं भी पूजा करते हैं या आपके घर में जो मंदिर है वहां पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर उनकी तस्वीर के सामने थोड़ा सा साबुत धनिया किसी भी पात्र में भरकर रख दें। अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, यानी कि धनतेरस से अगले दिन जब छोटी दिवाली मनाई जाती है उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और उस साबुत धनिया को वहां से उठाकर अपने घर में किसी भी गमले में इसे बो दें। अगर आप अपने गमले में नहीं बो सकते हैं तो किसी भी बगीचे में या फिर खाली पड़ी जगह में आप इसे बो दें। जब ये धनिया आपको उगता हुआ दिखाई देगा तो आपकी सारी आर्थिक स्थिति को, जो भी संकट आए हुए हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उन्हें दूर कर देगा अथवा आपको आपकी स्थिति का संकेत भी देगा। अगर धनिया से हरा भरा और स्वच्छ एक पौधा निकले तो आप समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। अगर धनिया का पौधा पतला हो तो
तो सामान्य रहने वाली है, और अगर पीला, बीमार या सूखा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है और आपको बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप हमारी आज की इस वीडियो में बताए गए अन्य उपाय करें, ताकि आपकी स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो और आपके घर में कभी भी पैसे की कमी ना हो। दोस्तों, अगला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से ना सिर्फ आज बल्कि आपको पूरे साल भर पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को कौड़ियां बहुत ही पसंद होती हैं, इसीलिए दोस्तों धनतेरस के दिन कौड़ियों को खरीदकर अपने घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कौड़ियों को अपने घर लेकर आने से अपार धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए दोस्तों अगर आपको भी अपार धन चाहिए तो आप कौड़ियों को अपने घर अवश्य लेकर आएं, और अपार धन की प्राप्ति हेतु धनतेरस की रात्रि में इन कौड़ियों का माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर प्रतिमा के सामने रखकर पूरे विधि विधान से पूजन करें। इसके लिए आप इनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाकर इन्हें पीला कर लें और रोली से टीका लगाएं, और माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की एक आरती भी करें। उसके बाद माता लक्ष्मी से मनचाहा धन प्राप्त करने की और साल भर आपके घर में धन की कोई कमी ना हो ऐसी प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि आपके घर में आश्चर्यजनक रूप से धन आने लगेगा। इसके लिए आपको बस ये अगले दिन सुबह उठ करके ये पीली कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखना है। इतना मात्र सा उपाय करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप ये उपाय करने में भी सक्षम ना हो तो आप अगले के लिए अगला उपाय भी कर सकते हैं, जो उपाय है कमल गट्टे की माला से, या फिर आप साधारण से एक कमल गट्टे से भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए थोड़ा सा देसी घी लेना है, इसे एक कटोरी में भरकर उसमें थोड़े से कमल गट्टे डाल दें, और उसके बाद आप इस प्रकार से तैयार हुए मिश्रण का माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति के सामने उन्हें ऐसा प्रसाद भेंट करें। ये जो मिश्रण है इसे आप माता लक्ष्मी को प्रसाद स्वरूप भेंट करें। कहते हैं कि ऐसा प्रसाद माता लक्ष्मी को चढ़ाने से निर्धन व्यक्ति भी राजा जैसा जीवन बिताने लगता है। इसके अलावा 108 कमल गट्टे की माला अगर आप ले आते हैं और इसे अगर आप माता लक्ष्मी को जो चढ़ा देते हैं तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में बहुत ही तेजी से सुधार होने लगता है और लक्ष्मी की ऐसी प्राप्ति होती है जो आपने कभी सोची भी ना हो। अगर दोस्तों आप अपने घर में धन की बरकत चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला घर में अवश्य रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो अंत में हम आपको उपाय बताने वाले हैं, वह उपाय बेहद ही आश्चर्यजनक रूप से आपको फायदा देगा, क्योंकि दोस्तों ये उपाय है हल्दी का। दोस्तों, हल्दी को वैसे भी सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ के रूप में घर में लाया जाता है। यह केवल घर में साग सब्जी में स्वाद बढ़ाने और रंग लाने के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी के प्रयोग से जहां एक ओर भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो वहीं माता लक्ष्मी को भी पीली हल्दी बेहद ही पसंद है। इसीलिए दोस्तों, धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से साबुत हल्दी लेकर आए, यानी कि गांठ वाली हल्दी लेकर आए जो कि पीली हो। अगर आपको पीली ना मिले तो आप काली भी लेकर आ सकते हैं। अब आप इस पीली हल्दी को एक कागज पर रखकर माता लक्ष्मी को भेंट स्वरूप दें और माता लक्ष्मी की पूर्णतः पूजा करें और साथ ही माता लक्ष्मी की आरती भी अवश्य गाएं। उसके बाद आप इस पीली हल्दी को उठाकर किसी भी कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से साल भर आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि अगले ही पल से आपको अपने घर में बरकत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देव मेहता का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय बजरंगबली।